नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यूब किसे कहते हैं। ठीक है, क्यूब, व्हाट इज क्यूब ऑफ ए नंबर। देखो, क्यूब का मीनिंग जो है, इसे हिंदी में कहते हैं घन क्षेत्र। और इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी नंबर को, इफ वही मल्टीप्लाई ए नंबर विद सेम नंबर नंबर थ्री टाइम्स इट विल बी क्यूब। अर्थात इसको हम कह सकते हैं एन की पावर 3, या इसको कह सकते हैं किसी नंबर को किसी उसी के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्यूब आ जाता है। यानी एन की 3 क्या है, क्यूब, एन मल्टीप्लाई एन की 2, दिस इज अ स्केयर, स्केयर ऑफ सेम नंबर। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं संख्या का नंबर, जैसे 1 का क्यूब है 1 × 1 × 1, 1। 2 का क्यूब है 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 3 का क्यूब है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27। 4 का क्यूब है 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। और फिर 5 का क्यूब है 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। इनको हम सबको कहते हैं परफेक्ट क्यूब, जो ऐसे चलते हैं परफेक्ट क्यूब। एक बात और भी है कि अगर क्यूब का हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो वह भी 1 की पावर 3 होगा, जितनी साइड से उसकी शक्ति 3 है। ओके, अगर किसी नेगेटिव संख्या का हमने क्यूब निकालना हो तो वो नेगेटिव होगा, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी नेगेटिव। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने 5 का हमने क्यूब निकालना है 3 टाइम्स, -5 − −5 − −5 − −+ + −-, ये 25 आ गया। ओके, तो हम सीख चुके हैं कि क्यूब ऑफ नंबर क्या होता है। तो आगे हम इसकी क्यूब रूट निकालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।